अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आई हूँ लाहौर से अपने गांव। काफ़ी टाइम हो गया था मैं आई नहीं, तो अभी मैं आई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक जगह पे जा रही हूँ, और मैंने काफ़ी सुना था उसके बारे में कि हमारे गाँव के साथ ही गाँव है। उधर बॉलीवुड के एक लेजेंड है, सुपरस्टार है, सुनील दत्त भी मेरे बहुत फेवरेट है, हम सबके बहुत फेवरेट हैं, संजू बाबा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं देखने के लिए कैसा है कैसा नहीं है। तो चलें आप सबको भी दिखाते हैं वहाँ पे जाके, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको अब दिखाती हूँ उनका घर और जहाँ पे उनका बचपन गुजरा, जहाँ पे उनकी फैमिली रहती थी, उनकी बहनें, उनकी अम्मी अब्बू वगैरह सब लोग। अभी वहाँ पे कुछ फैमिली रह रही है, उनका होल्ड है वहाँ पे, लेकिन उनको कॉल किया और वो अभी हमारा वेट कर रहे हैं। तो फिर चलते हैं, मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। ये जी सुनील दत्त जो है साहब, उनका घर है, संजय दत्त उर्फ संजू बाबा। ये सारा आप देख सकते हो, थोड़ा सा रेनोवेट हो गया ये। ये गली मेरा भी है, ये कितने रूम्स है? ये नया एक पीछे बनाया है, उनका अपना है, और दूसरी तरफ बना है वो, इसके साथ वो वाली जगह। ये भी उन्हीं के रूम्स पर है? नहीं, ये भी ये सारा जी उनके रूम्स पर भी है। घर आपके पास है? जी हाँ, जी हमारे यहाँ। अच्छा, आप संभालते हैं? जी मैं वाले साहब हैं, मोहम्मद याकूब साहब। अच्छा अच्छा, उनका बेटा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान बने हैं, 1947 के बचपन उसके अंदर मिल रहा है जी। वो उससे पहले मतलब अभी इस बिल्डिंग को, ये जो पिछली बिल्डिंग है उसी सौ, जी 100 साल हो गए मतलब उन्होंने पहले बनाई थी ना। तो ये कितने रूम्स है? ये उस वक्त 9 कमरे थे इसके। अच्छा, दो चुबारे थे इनके ऊपर अंकल की तरफ जी, वो दो चुबारे जो वो गिरा दिए। फिर से घरों में जब इतना अर्सा गुजर गया है, कम अज कम 75 साल, उसमें फिर अपने समय जो है वो डिवाइड होते हैं भाइयों के। वो हमारे जो है दो चाची हैं, वाले साहब हैं, फिर उनमें तीनों में तकसीम हुआ, वो तीन तीन कमरे आए मेरे पे, जिसके हिस्से में चुबारा आया, फिर उन्होंने गिराया, मना भी किया था। अच्छा जी, तो फिर ये दूसरा चाचा है लियाकत साहब हैं। अच्छा, ये उनके हिस्से में आया था, फिर हमने उसको उनसे खरीद लिया। अच्छा, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो पिछला हिस्सा है ना, हमने नहीं गिराना है। जमीन भी है ना? हैं जी, जमीन भी है उधर। इन रूम्स के अलावा भी है जगह पीछे? हाँ, अच्छा ठीक है। ये देखो फर्स्ट फ्लोर आगे। अच्छा ठीक है जी, अपनी कंडीशन में रखा हूं, मैंने देखा था जी। पूरा अलहमदुलिल्लाह वाले साहब हैं, तो उस वक्त मतलब जब संजय दत्त थे, तो 1997 में मतलब स्थानीय में मतलब वो जब आपसे मुलाकात हुई जी जी। यहाँ आज कितने दिन रह गए जी? नहीं, वो जो घंटों के हिसाब से। अच्छा, जब स्टार्ट में जब आए हैं तो कम एक बार जो हमें मतलब जो सिक्योरिटी वाले आते रहे ना इस्लामाबाद से, कभी कोई गाड़ी आ गई, कोई मतलब डीसी आ गया, तो हमें समझ में आया कि ये रोज आ जाते हैं, सिर्फ कहते हैं मुलाकात करनी देखना। फिर एंड में एक दिन जब रह गए, उस वक्त उन्होंने बताया जनाब कल जो है ना, इनके जो संजय दत्त सुनील दत्त हैं ना, इनके जो यार दोस्त हैं ना, उनको यहाँ बता रहे हैं, वो कल तशरीफ लाएंगे। अच्छा, अचानक से आपको पता चला एक दिन पहले कि उन्होंने आना है? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उस बंदों को जो है बताया, तो फौरन ही गांव है तो। अच्छा, तो उनके दोस्त हैं भी इस गांव में? जी काफी सारे फौत हो गए, कुछ हैं आस पास हैं करीब के जी। एक है मतलब बाबा इधर मिर्जा साहब है, मिर्जा तालिब साहब है, तो वो भी बीमार ही है, उनके दोस्त हैं, उनके बचपन में। हाँ जी, वो जानते हैं, उनकी भी तस्वीर उस वक्त मतलब जब पिछली दफा वो आए थे तो मुलाकात उन्होंने की थी। लेकिन अभी भी उसका ग्रुप मैंने देखा है,
वो ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान जाना है अपने में बाबा का दास्तान उधर। हाँ जी आए हैं हम तो कहते हैं ठीक है भाई। उनसे जो है ना मैंने थोड़े दिन पहले देखा वो कह रहे थे कि ये हालात मुल्क के ऐसे हो गए ना जी दोनों मुल्कों के। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जगह पे जाना है। ये गाँव का नाम है जी खुरद खुरद चुटाला के साथ ऐसी है खुरद खुरद गाँव का नाम है। और इधर जो है शहीद दाद का बचपन गुजरा है उनकी जितनी प्रॉपर्टी है खुली तभी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा हम इतने बड़े हो गए है लेकिन जो आते साथ ही जिन लोगों को चले अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाबा जी है जी बाबा जी नाम जी मोहम्मद जी मोहम्मद यकूब बाबा जी का नाम है। इनके पास आए थे वो ये उनका घर है ये उनके कमरे बने हुए हैं। बाबा जी थोड़े नाल मुलाकात हुई है ना जी सुनील दत्त जल्द आए ना इतने पास। अच्छा ते ओ उन्हां दा बेटा भी आया तुहाडे कोल नहीं ओ नहीं। अच्छा ते ओ जिस टाइम आए तुहाडे नाल उन्हां दी मुलाकात होई है ते कोई फोटो भी बनाई नहीं है कोई ऐसा दी कोई चीज है तुहाडे कोल। आप किधर से आए? असीं जनाब लाहौर तो आए हैं। लाहौर से? अच्छा ठीक कोई पानी चानी पिलाया जी जी। अच्छा ओ जरा उन्हां दे बारे दसो ना उन्हां दा बचपन इत्थे गुजरिया है उन्हां दा घर इत्थे तुहाडे कोल हुण तुसीं माशाल्लाह अल्लाह तुहानूं आजादी देवे। मैं तो वैसे जो है मैं आप जन्म दा वहाँ लेकिन रिहायश मेरी लाहौर है। लाहौर जी जी इतने भी है सेटअप तो एक बच्ची है इन्हें बड़ा शौक है। अच्छा। मैं क्या अच्छा है साढ़ा तो तारीखी शहर है जन्म मैं क्या थोड़ा मिला देना मैं वो असं आए हैं भाई मुलाकात हुई है बल्कि साढ़े जाते दिनों से मस्जिद में रहते मैं क्या हम तो साढ़े को रहना है मस्जिद आपके पास तस्वीरें भी हैं अब सब चाकी सा ओ हैं तस्वीरें तो आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ दिखाएं। मैंने सुना आपको जो वो पैसे दे दिए थे वो भी आपने संभाल के रखे हैं पैसे तो नहीं संभाले उस टाइम वो बड़ा अच्छा हो गया ना आज की बात है नहीं रहा। बाबा जी किस टाइम आए थे कितना तकरीबन अच्छा हो गया वो तो 94 में 1994 में मैंने आपको एक वीडियो में देखा था। देखा जी और मेरी काफ़ी वीडियो बनी जी मैंने वीडियो में देखा था मेरी काफ़ी में लिखे मेरे साथ भी सेलिब्रिटी बैठे हुए कोई आम बंदे नहीं है।